शुमार विश्व की बड़ी सेनाओं में होता है। भारत सरकार हर साल अपने खजाने का बड़ा हिस्सा अपनी सेना को देती है। सारी जनता अपनी सेना को इज्जत की नजर से देखती है। वर्दी का मान सम्मान रखना और देश के लिए जान देना हर एक का सपना होता है, चाहे वो जवान हो या ऑफिसर। सेना का अनुशासन ही उसे बाकी इदारों से बड़ा बनाता है। पर हाल ही में दिए गए जनरल बिपिन रावत, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उनके एक बयान के कारण सारी भारतीय जनता अजब समस्या का शिकार नजर आती है। उन्होंने अपने एक बयान में भारतीय वायुसेना के किरदार को लेकर के बात की और कहा कि Yet relocation of assets were taking place from the east to the west. युद्ध में भारतीय वायुसेना का किरदार सिर्फ मामूली नोयत का है। इनके इस बात पर भारतीय एयर चीफ का भी बयान सामने आया। The comment on what is what has been जिसके बाद एक लफ्जी युद्ध का आगाज हो गया। ये लफ्जी युद्ध समाचार का हिस्सा तो बनी ही, पर साथ ही में सोशल मीडिया जिसमें फेसबुक ट्विटर वगैरह शामिल है, उस पर भी इस बात को लेकर के खूब चर्चा रही। इस लफ्जी गोलाबारी के कारण सारे विश्व में भारतीय सेना के मुख्य अधिकारियों और उनके बयानात को लेकर के खूब जग हसाई हुई। घर के रक्षक अगर खुद ही आपस में लड़ जाएंगे तो दुश्मन को युद्ध करने की जरूरत नहीं रहेगी। हम विनती करते हैं कि इस लफ्जी लड़ाई झगड़े को तूल मत दीजिए, वरना जनता का विश्वास क्या रहेगा। मीडिया पर इस तरह के बयानबाजी देश को किसी और दिशा में ले जाएगी और दुश्मन बिना कुछ किए ही हमारी ले लेगा। वो तो चाहता ही यही है कि कब मौका मिले और वो कब घाव लगाए। मुख्य अधिकारियों को इस बात का भी जरूर ख्याल रखना चाहिए कि इनके मुंह से निकले हुए अक्षर देश के वासियों को क्या संदेश दे रहे हैं। इस तरह के बयानात से जनता परेशान ही हो सकती है, जिसमें एक सेना दूसरी सेना को कमतर बताए। हम सबको एक रहने की जरूरत है, आपस में जुड़े रहने की। हमारी तो सलाह यही है कि घर के बड़े अपने झगड़े आपसी सलाह बैठक से घर के अंदर ही सुलझाएं तो ये अच्छा है। क्या समझे?